मुझे बहुत डर लग रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाउ इज योर ट्रिप गोइंग? कुछ 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 प्लीज दो चाप नेहा के लिए अपॉइंटमेंट एंड मीट मी इन दिल्ली। यहाँ पे हुई थी भाग मिल्खा भाग की शूटिंग। आपका नाम क्या है? श्रेयांचल। श्रेयांचल, यस। आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। Guys, it's a day 6 और हम रुके हुए हैं नुब्रा वैली में और अभी I'm gonna take you to the balcony क्योंकि वहाँ का जो व्यू है ना it's awesome। और यहाँ पे सूख रहे हैं करण के शूज क्योंकि कल उसने बाइक राइड की थी और काफी ज्यादा बीच में बारिश हो गई थी खड़दुंगला के पास, तो उसकी वजह से उसके शूज वगैरह सब भीग गए थे। और यहाँ से व्यू देखिए। हाय, हाय, गुड मॉर्निंग। वो व्हाट अ व्यू, सामने देखिए बादल कैसे टच कर रहे हैं इस पहाड़ को, अमेजिंग। कितनी अच्छी धूप निकली है यहाँ पे। वैसे अभी तक हम जहाँ भी गए हैं, आई मीन सोमोरीरी गए, पेंगोंग सो गए, वहाँ पे सब जगह बहुत ज़्यादा ठंडा था, बट अभी हम हैं नुब्रा वैली में और यहाँ का मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह की जो हल्की हल्की सी ये धूप निकली हुई है ना, बहुत अच्छी लग रही है। और अभी इसका एल्टीट्यूड है अराउंड 11,200 और ले का एल्टीट्यूड है 11,500 के ऊपर, तो ले से भी ये थोड़ा नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ हरियाली और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो चुका है और काफी अच्छा लग रहा है इस समय यहाँ पे बालकनी में घूमना। यहाँ से जाना है क्या? चाय आ गई है। वाओ, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। कितनी हरियाली है यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है। जहाँ पे हम रुके थे उस गेस्ट हाउस के बैक साइड में इन्होंने इतना सुंदर सा गार्डन बनाया हुआ है, काफी ज्यादा हरियाली है और काफी ज्यादा इन्होंने सब्जियाँ उगाई हैं यहाँ पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सुंदर फूल, और यहाँ पे देखो तरह तरह की सब्जियाँ। ये सनफ्लावर का पेड़ लगा हुआ है, लहसुन हुआ है, सरसों के पेड़ है, बहुत कुछ। और वो ब्रोकली, आई थिंक ब्रोकली है ना? हाँ जी, तो वो ब्रोकली लगाई है, लहसुन के पेड़ हैं, यहाँ पे को कुछ टमाटर की खेती दिख रही है। टमाटर देखो सब जगह इतने महंगे हो रहे हैं, इन्होंने अपने खेत में उगाए हैं। ये रहा एप्रिकॉट ट्री और पीछे दिख रहे हैं हरे हरे से, इतने रसीले से एप्पल्स। आपका नाम क्या है? श्रेयांचल। श्रेयांचल, यस। आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। अच्छा, यही मतलब आपका गाँव है ये सब कुछ? इन्होंने हमें बहुत अच्छे से ग्रीट किया, बहुत अच्छा खाना खिलाया, हमें बहुत अच्छा लगा इनके साथ। आपसे मिलेंगे फिर कभी? जी मैम, थैंक यू। जी जी, कुछ बोलो। भाई जी जी, नो नो कमेंट, नो मीडिया दिस। इतनी अच्छी वीडियो में रुके तुम सर, प्लीज सर, कैसे जा रहे हो ये बता दो, ट्रिप कैसे जा रहे हो? नो, हाउ इज योर ट्रिप गोइंग? कुछ 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 प्लीज दो चाप नेहा के लिए अपॉइंटमेंट एंड मीट मी इन दिल्ली सर, प्लीज सर। इसका रोल काट दो सारे पास। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का।
So it was wonderful stay with Sonam Guest House. हुंडे की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर्स और सैंड ड्यून्स हमें दिखने लग गए हैं। बहुत ब्यूटीफुल सी जगह है। नुब्रा वैली एक्चुअली बना हुआ है 2 गांवों से, हुंडर और दिस्कित, और फिलहाल हम दिस्कित से हुंडर की तरफ निकल गए हैं और यहाँ पे हम रुक गए हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। मैं पराठा खाऊंगी। गोभी बताओ कौन कौन खाएगा? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये देखिए ने अपना टास्क पूरा नहीं किया गाइस, यही करना है। ये देखिए जीजी की धर्मपत्नी। मौसम देखिए यहाँ से, और हम अपना ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं हुंडर की तरफ। अगर हम वहाँ से सीधे जाते तो हम जाते थोइस की तरफ, तो हमने राइट टर्न लेके आ गए थे हुंडर विलेज की तरफ। तो यहाँ से आई थिंक 2 किलोमीटर ही पड़ेगा, फिर हम पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। और अगर आपकी पहले से कोई बुकिंग नहीं है ना, फिर भी आपको यहाँ पे इजीली कैंप्स मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत मतलब ऑप्शंस हैं, जगह जगह देखें तो रेस्टोरेंट्स और कैफेज, होम स्टेज बहुत सारे हैं। Look at this guys, वो सामने चमक रही है वाइट सैंड, मुझे तो लगा रिवर है वो। तो यहाँ का नजारा कुछ इस तरह है, काफी ज्यादा सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं। तो हम आ गए हैं हुंडर वैली, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ हमें दिख रहे हैं सैंड ड्यून्स, और दूर हमारी नजर पड़ रही है कैमल्स में। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ यहाँ के स्पेशल कैमल्स। स्पेशल कैमल्स यहाँ के क्यों हैं? क्योंकि यहाँ के जो कैमल्स हैं उनमें डबल हम्प है। ये देखिए पिक्चर में डबल हम्प वाली कैमल्स हैं। तो ये स्पेशल कैमल्स हैं जो कि मंगोलियन कैमल्स बोला जाता है। लुक एट दिस, दीज आर ऑल डबल हम्प कैमल्स। और इसका हम्प देखिए, इसने नीचे को फोल्ड किया हुआ है। जब पुराने टाइम में जब गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो ट्रेडिंग के लिए सिल्क रूट का यूज़ करते थे, तो उस टाइम पे इन्हीं कैमल्स का यूज़ हुआ करता था, क्योंकि ये इस हाई एल्टीट्यूड और इस टेरेन के लिए परफेक्ट कैमल्स हैं। और इनको बैक्टीरियन कैमल्स भी बोला जाता है। और अगर देखा जाए इनकी लुक का, तो ये काफ़ी छोटी छोटी हाइट की हैं, और जो हम राजस्थान साइड देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड होती हैं। और ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी कैमल्स हैं, लुक एट दिस। और इसमें देखो ब्लैक, इसका लुक भी अलग है, ये दिखने की भी काफ़ी डिफरेंट है। तो ये इस तरह की कैमल्स हम इस कोल्ड डेजर्ट में देख सकते हैं। नेहा अब तो कुछ नहीं, अब तो छोड़ दे रस्सी। Yeah.
सो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये डेजर्ट वाला इलाका, यहाँ पे हुई थी भाग मिल्खा भाग की शूटिंग, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। कौन खाएगा?